नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में 3 वर्ष पूर्व बीजेपी कार्यकर्ता की निर्मम हत्या की गई थी। इस मामले में अभियुक्तों ने भाजपा नेता को इस तरह से ट्रैक्टर से कुचल कुचल कर मारा था कि जिसने भी इस मामले को जाना उसके होश फाख्ता हो गए थे। अब शुक्रवार को इस मामले में 4 अभियुक्तों को जिले एवं सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्तों पर न्यायालय ने 6 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है, जिसमें से 4 लाख रुपए की धनराशि मृतक भाजपा कार्यकर्ता की पत्नी को बतौर मुआवजा दिया जाएगा। घटना हरैया थाना क्षेत्र के कुशमहा मोड़ की है। 18 अक्टूबर 2001 को बीजेपी कार्यकर्ता केपी शुक्ला बाइक से बाजार से अपने घर की ओर जा रहे थे। बाइक पर उनके साथ भतीजा नीरज शुक्ला व एक अन्य सहयोगी योगेंद्र यादव भी थे। कुशमहा मोड़ के निकट अभियुक्त राकेश यादव उर्फ महंत यादव, राहुल, जितेंद्र पांडे और सतीश कुमार ने ट्रैक्टर से बाइक को टक्कर मार दिया और केपी शुक्ला पर हमलावर हो गए। जान बचाने के लिए केपी शुक्ला धान के खेत की तरफ भागे, जहां अभियुक्तों ने उनकी घेराबंदी कर उनको ट्रैक्टर से बार बार कुचला और बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। इस लोमहर्षक हत्याकांड से पूरे जिले में सनसनी फैल गई थी। शुक्रवार को इस जघन्य हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायालय ने 4 अभियुक्तों को दोषी पाते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 6,06,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। न्यायालय के इस निर्णय का मृतक के परिजनों ने स्वागत किया है। संवाददाता प्रमोद पांडे की खास रिपोर्ट। क्या मामला था आपके भाई की एक हत्या की गई थी और उस पर सजा हुई है, क्या लगता है और क्या मामला था वो पूरा? 18/10/2021 को हमारे भाई की निर्मम हत्या हुई थी। ट्रैक्टर से बार बार कुचल के निर्मम हत्या किया गया था। उसमें हत्या में दोषी महंत यादव उर्फ राकेश यादव, सतीश प्रजापति, राहुल यादव और जितेंद्र यादव, 4 लोगों ने मिलकर बेरहमी से मेरे भाई का हत्या किया था। धारदार हथियार से भी और कई बार, मतलब उसका कोई बयान नहीं किया जा सकता है, इस तरीके से हत्या किया था इन्होंने। हाँ, सजा हुई है, कितनी सजा हुई है, क्या आप को लग रहा है? आज मुझे सबसे पहले अपने वकील साहब पे गर्व है, श्री कुलदीप सिंह जी पे, जो जिला सत्र न्यायालय के सरकारी एडवोकेट हैं, सबसे पहले मुझे उन पे गर्व है। इसके बाद में जिले के आला अधिकारियों पे गर्व है, क्योंकि मुझे सबका साथ मिलते हुए मुकदमे पे सब लोग मिलके पैरवी किया गया और उसमें मोनू सिंह का भी अच्छा योगदान है और सबसे बड़ा योगदान कुलदीप सिंह जी का है। पुलिस विभाग का, प्रशासन का भी हमें हर जगह सहयोग मिलता रहा, उस पर हमने लड़ाई लड़ी और माननीय न्यायालय ने जो भी आज सजा दिया है, आजीवन कारावास या जो भी सजा दिया है, उस पर मुझे बिल्कुल, उससे हम लोग खुश हैं और एक हत्यारे का वध भी हुआ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नीरज शुक्ला है। आप केपी शुक्ला मर्डर केस में वादी मुकदमा थे? जी जी। क्या मामला था और क्या घटना हुई थी, आज सजा हुई है, क्या जी लगा? जी जी, हम लोग हम और जोगिंदर अपने कृष्ण प्रकाश शुक्ला चाचा के साथ भरसिया मार्केट गए थे सामान वामान लेने। सामान वामान लेके वहाँ से लौट रहे थे तो इन लोगों द्वारा ठोकर मारकर उसके बाद चाचा को हमारे पकड़ के धान के खेत में पटक के मारने पीटने लगे। उसके बाद ट्रैक्टर से कई बार इनको कुचला। उसके बाद फिर हम लोग दवाई इलाज लेके गए। उसके बाद वहाँ से आए तहरीर वहरीर दिए। उसके बाद न्यायालय के समक्ष हम लोगों का गवाही हुआ और हम लोग गवाही दिए। उसके बाद हमारे DGC साहब, सरकारी वकील, हम लोगों का मदद किए और न्यायालय हमें जो है न्याय दी और इसलिए DGC साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, न्यायालय का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब ये घटना हुई थी तो क्या मौके पर थे? जी जी, हम साथ में ही थे अपने चाचा के, मौके पर थे हम। क्या वो घटना मतलब किस तरह से की कार्य की? सर, बहुत तरीके से मारे, बहुत निर्मम तरीके से। कई बार उनको ट्रैक्टर से कुचल कुचल कर लोग घेर के रखे थे और हमारे चाचा तड़फाते रहे जी। अब बोलो। और चाचा हमारे तड़फाते रहे और उनकी ट्रैक्टर से कुचल कुचल कर हत्या कर दी गई। तो बताओ, ये आज हमें न्याय मिला है
हमारे परिवार संतुष्ट हैं। ये हरेश अग्रवा में कृष्ण प्रसाद शुक्ला की हत्या हुई थी, इसमें आज वर्डिक्ट आया है, क्या मामला था, कितनी सजा हुई है और कितना जुर्माना किया गया है कोर्ट द्वारा? ये क्राइम नंबर 148/21 थाना रैया पे दर्ज हुआ था, अंडर सेक्शन 147, 148, 149, 506, 307, 302 आईपीसी और 7 सीएलई एक्ट। इसमें मृतक जो था केपी शुक्ला गया था घटना के दिन पास ही में एक जगह है बरसहिया बाज़ार चौराहा, तो वहाँ अपने भतीजे नीरज शुक्ला और जोगिंदर यादव के साथ वो मोटरसाइकिल से गया था। वहाँ से कुछ अपना काम किया, सामान वगैरह लिया और लेकर जब लौट रहा था तो एक्यूज्ड महंत यादव राकेश उर्फ महंत यादव और उसके साथ बाकी लोग, उसका लड़का राहुल यादव, जितेंद्र पांडे, सतीश, ये सारे लोग पहले से ट्रैक्टर लेकर रास्ते में खड़े थे उसको हत्या करने के इरादे से। उसके कुशमावा मोड़ एक जगह है, वहाँ जब वो पहुँचता है तो ये लोग ट्रैक्टर से ठोकर मारते हैं। ट्रैक्टर राकेश महंत चला रहा था, वो गिर जाती है मोटरसाइकिल, पानी बरसा था, थोड़ा ज़मीन गीला रहता है, उठकर ये लोग भागते हैं। फिर पास के धान के खेत में राकेश यादव के साथ के लोग उसको घेर के पकड़ लेते हैं, गिरा देते हैं। राकेश यादव ट्रैक्टर लेकर जाता है और ट्रैक्टर से अनेक बार 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 ट्रैक्टर उसके ऊपर चढ़ाता है और ट्रैक्टर से कुचलता है, जिससे राकेश यादव केपी शुक्ला बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं और उनके साथ के जो दो लोग रहते हैं नीरज शुक्ला और जोगिंदर यादव, वो दोनों भी जब ट्रैक्टर से ठोकर लगती है मोटरसाइकिल पर तो गिरते हैं, भाग कर दूसरी तरफ खड़े रहते हैं, वो घटना देखते हैं। ये दोनों घटना के चक्षुदर्शी हैं, आई विटनेस हैं। इसके बाद लगातार जब ट्रैक्टर से कुचलते रहते हैं, दोनों गवाह चिल्लाते रहते हैं, लेकिन बाकी लोग जो साथ के रहते हैं वो बेल आर्म्ड रहते हैं, वो कहते हैं पास आओगे तो तुमको मार देंगे। खास बात यह है कि साथ के जो लोग हैं वो सब हथियारबंद हैं, लेकिन हथियार से हत्या न करके उन लोगों ने ट्रैक्टर से कुचल कुचल के मारा। मतलब वो लोग ये मैसेज देना चाहते थे कि कितना निर्दयता से और कितना ब्रुटलिटी से इसका मर्डर किया जा सकता है, जिससे एक मैसेज जाए और समाज में आतंक फैले, हमारा वर्चस्व बने, लग ऐसा ही रहा है। फिर वो लोग भाग जाते हैं, ट्रैक्टर उसका भाग वही फंस जाता है खेत में, मोटरसाइकिल पर बैठ कर ये लोग भाग जाते हैं। साथ में जो रहता है वादी मुकदमा, वो पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस आती है, लेकर जाते हैं अस्पताल, डॉक्टर देखता है, तुरंत रिफ़र कर देता है। फिर तो लेकर जाते हैं जैसे दूसरे अस्पताल के लिए, रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है, क्योंकि बहुत सीरियस कंडीशन था। FIR होता है, विवेचना होती है, 5 मुलजिम नामजद थे इसमें, 3 का नाम, 2 का नाम और बढ़ जाता है विवेचना में, बच्चा राम और राम निवास का। ड्यूरिंग ट्रायल 6 गवाह प्रोसिक्यूशन से मैंने प्रस्तुत किए थे माननीय न्यायालय पर, और 7 गवाह डिफेंस की तरफ से प्रस्तुत किए गए थे। 3 लोग इसमें बरी किए गए, क्योंकि हमारे आई विटनेस जो PW2 था उसने कहा था कि बच्चा राम, राम निवास और उमाकांत ये लोग घटना में संलिप्त नहीं थे, मौके पर नहीं थे। 4 लोगों द्वारा घटना कारित करना बताया गया था। उन 4 को न्यायालय ने सुनने के बाद आजीवन कारावास की सज़ा, धारा 302 रेड बीस 34 इसमें आजीवन कारावास की सज़ा और 1,00,000 प्रत्येक को जुर्माना किया है। धारा 323 में 1,000 जुर्माना और 1 साल की सज़ा है। धारा 506 IPC में 5 साल की सज़ा प्रत्येक को और 50,000 रुपये जुर्माना प्रत्येक को किया है। इसी तरह 7 CLE एक्ट में 6 महीने की सज़ा और 500 रुपये जुर्माना प्रत्येक को हुआ है। कुल मिलाकर 6,06,000 जुर्माना 4 अभियुक्त पर अधिरोपित किया गया है माननीय न्यायालय द्वारा, जिसमें से 4,00,000 रुपये विक्टिम को, मृतक की पत्नी को दिया जाएगा। बहुत ही चर्चित केस जिले का यह था, निर्दोष आदमी को जिस तरह घेर कर, जिस तरह जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया था, लोगों की आस थी, आज न्यायालय द्वारा न्याय किया गया है, हम सबकी मेहनत रंग लाई है, न्याय प्रतिष्ठित हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूँगा इजाजत, नमस्कार।